अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रैंकिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्शन को ग्रास कवर कर लिया है, नंबर टू प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया है और नंबर थ्री प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लिया है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं प्रोडक्ट रैंकिंग की तरफ। अच्छा, प्रोडक्ट रैंकिंग की जो है वो एक ही वीडियो होगी, उस एक वीडियो में है जो हम ये चारों कॉन्सेप्ट हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग। प्रोडक्ट रैंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि देखें अक्सर लोग इशू ये करते हैं कि प्रोडक्ट हमने सोर्सिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, हंटिंग कर ली, अब मसला ये है कि ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उन्हें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो ऑर्डर ना आने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो प्रोडक्ट रैंकिंग ही होती है, तो आपने रैंकिंग करवानी पड़ती है। अच्छा, प्रोडक्ट रैंकिंग करने के भी जो है वो दो मेथड है, एक तो है ब्लैक हैट, एक है व्हाइट हैट। ब्लैक हैट में ये होता है कि आप गलत तरीके से जो है प्रोडक्ट रैंकिंग करवाते हैं, ठीक है, जबकि व्हाइट हैट में ये होता है कि आप बिल्कुल जायज़ वे में जो है वो प्रोडक्ट रैंकिंग करवाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट रैंकिंग के जो है वो चार मेथड है। तो पहला होता है VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा है TVVRO, ये होता है ट्रायंगुलर वेरी वेरी रियल ऑर्डर, और तीसरा है POAP, पोस्ट ऑर्डर एंगेजमेंट प्रोग्राम, और लास्ट है ACOEAC, एडिटिंग कंपटीटर्स ऑफर्स एविलेटिंग एंड कैंसिलिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर क्या है। मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ ज़रा शॉर्ट, ठीक है, तो आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अच्छा, नाम से ही वाजे हो रहा है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एज्यूम कर लें कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि अपने ख़ानदान में चाचा, मामा, ताया जो भी है, कज़न, उनको बोलूँगा कि आप मेरी इस प्रोडक्ट पर आएँ और जाके ऑर्डर कर दें, समझ लें ये मेरी प्रोडक्ट है, इस पर जाके आप ऑर्डर कर दें। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद आप क्या करें, आप जो है ऑर्डर जाने के बाद आप जो है रिव्यू दीजिए। तो जब कस्टमर ऑर्डर करने के बाद रिव्यू देता है तो रिव्यू करने से ही हमारी जो प्रोडक्ट है वो रैंकिंग में आना स्टार्ट होती है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सिंपल VVRO, ये कि ऑथेंटिक, कि आप बिल्कुल ही राइट वे में रहते हुए ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपका कज़न हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कि एक्स वाई जेड जो भी बंदा हो, आप उसको कुछ ऑफर दें, ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्काउंट दें, वाउचर्स दें, कुछ भी करके जो है वो आप बिल्कुल जायज़ तरीके से जो है वो ये रियल ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बदले में आप क्या करेंगे, उससे बोलेंगे भाई आपने बस मुझे जो है वो 5-star रिव्यू देना है। ये हो गया एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि TVVRO, ठीक है, सिर्फ शुरू में लगती है टी। टी स्टैंड फॉर ट्रायंगुलर। ट्रायंगल का शेप कैसा होता है, एक दो तीन, तीन कॉर्नर होते हैं। ठीक है, पहले ये होता है कि जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम ऑर्डर करने के पास जो है वो दराज हक पर डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक स्टेप, यानी कि आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर लेने के बाद आपने पिक एंड रेडीडू शिप करने के बाद आपने दराज हक पर डिलीवर कर दिया। ये हो गया टू स्टेप, पहला स्टेप आपके पास ऑर्डर आया, सेकंड स्टेप आपने उसको पैक किया, आपने दराज हक पर ड्रॉप कर दिया, तीसरा स्टेप ये हुआ ड्रॉप करने के बाद दराज ने जो है आपके कस्टमर को वो हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप, अब वही साइकिल रिपीट होकर हमारे पास दोबारा आ रही है। अब कस्टमर ने क्या किया, अब वही चीज़ जो है हमें वापसी कर दी। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। देखें, VVRO और TVVRO में सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि VVRO में आप जो है ये आइटम है, ये आइटम उससे आप भेजते हैं, बदले में आप उससे रिव्यू ले लेते हैं, जबकि TVVRO में ये होता है कि आप उसको बोलते हैं मैं आपको प्रोडक्ट डाल के दूंगा, आपने क्या करना है, आपने मुझे प्रोडक्ट वापसी कर देनी है और बदले में आपने मुझे देना है रिव्यू। ठीक है, ये डिफरेंस है। TVVRO करवाने के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आपने चचा, मामा, रिश्तेदार जो भी दोस्त है उसको आपने बोला कि आपने मुझे ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद इसके आपको ये बोलना है इसके अंदर फर्स्ट कह रहे ये मेरा आइटम है, इस आइटम को आपने पैक किया, दराज पर ड्रॉप किया और दराज वालों ने आप लोगों को जो भी कस्टमर आपको डिलीवर कर दिया। अब आप अज्यूम कर लेते हैं आपने अपने आपके जो प्रोडक्ट पे खाला ने ऑर्डर किया था, ठीक है, अब आपके खाला के पास गए, आपके खाले से ये आइटम लिया, आपके पास आ गया, तो इसमें उसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि आपकी आइटम की कॉस्ट बच गई। अज्यूम कर लें अगर ये 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और इसकी होलसेल प्राइस है जो है वो 500 है और दराज आपसे 200 रुपये चार्ज करते हैं तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसके अंदर VVRO के अंदर। अब TVVRO में फ़ायदा क्या होगा, TVVRO फ़ायदा ये हो गया कि आपको 700 रुपये बच गया, यानी कि 500 रुपये होलसेल पास बच गया आपके। ठीक है, तो यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है TVVRO की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपको सोचा अगर आप एक VVRO करवाएंगे कितना महंगा पड़ जाएगा, यानी जितनी की प्रोडक्ट होगी उतने का आपको पड़ जाएगा। ठीक है, TVVRO में क्या है, यह है कि आपने सिर्फ जो है वो 300 कमीशन देना होता है, बाकी आइटम आपके पास वापसी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि TVVRO में
कि आपके जो रिलेटिव है जरूरी नहीं आपके आसपास हो, आपके शहर से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप शहर से बाहर डिलीवर करेंगे तो ये पार्सल भेज देंगे, फिर आप अपने जो है अरेंज कर लेंगे हैदराबाद कराची से, आप हैदराबाद जाएंगे फिर आइटम वापसी लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर ये होता है, उसके लिए करते हैं कि आपके फर्स्ट का रिलेटिव हैं हैदराबाद में और मैं हूँ कराची में, ठीक है। अब मैंने अपने रिलेटिव को बोलना है कि आप मेरे इस पर ऑर्डर करें, आपके पास पार्सल आएगा, आपने रिसीव करना है, आपने बदले में मुझे रिव्यू दे देना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये करते हैं कि जब सामान पैक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम खाली डिब्बा डाल देते हैं, ठीक है। आप इसको हम बोल सकते हैं कि ब्लैक हैट मैथड, ठीक है, क्योंकि दराज के अगेंस्ट है कि जो प्रोडक्ट में ऑर्डर किया आप उस वही डाल के भेजें, ठीक है। ये हो गया ब्लैक हैट मैथड, तो ये ना यूज़ करें तो बेहतर है। तो आपने क्या किया, आपने खाली डब्बा डाल के भेज दिया, अब वो हैदराबाद पहुंच गया, उसमें क्या हुआ पार्सल डिलीवर हो गया, उसमें ये हुआ कि आपको इस आइटम की कॉस्ट बच गई, तो ये हो गया TBBRO, TBBRO क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं तीसरे पे, वो है पोस्ट ऑर्डर एंगेजमेंट प्रोग्राम। इसमें आप कस्टमर को ऑफर्स देते हैं, ऑफर्स किया आपने, कस्टमर को ईमेल सेंड कर दी, मैसेज सेंड कर दिया, प्रमोशन सेंड कर दी, 50% ऑफ दे रहे हैं, आप हमारा ऑर्डर परचेज कर लें। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर एंगेजमेंट प्रोग्राम में ये होता है कि आपका कोई पास में कस्टमर रह चुका है, लेट सपोज जरूरी नहीं कि आपके खानदान में बंदे हों, आपका फर्स्ट करके ऑर्गेनिक कस्टमर है, उसने ऑर्डर किया था, तो आप चैट पर जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, 50% ऑफ दे रहा हूँ, आप दोबारा ऑर्डर कर दें, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा, अब उसी कस्टमर ने तो आपको ऑलरेडी ऑर्डर किया होगा, उसे पता होगा हाँ यार मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, अगर ये मुझे ऑफर दे रहा है तो मैं दोबारा उसको ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप दोबारा ही इसको ईमेल सेंड करेंगे या सेंड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट दें, हम इस पर ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ऊपर बाय वन गेट वन 50% ऑफ चेक के आप ऑफर से दे सकते हैं। तो ये हो गया पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी इन शॉर्ट के दोबारा एक ही कस्टमर को आप अपसेल कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पे आ जाए एडिटिंग कंप्यूटर्स ऑफर एबिलिटिंग एंड कैंसिलिंग, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मेथड है सबसे बुरा मेथड कहने। अब इसमें ये होता है कि अगर मैं उसको आसान अल्फाज में समझाऊं, जो आजकल होता है हमारे यहाँ, कि दूसरे की टांग खींच के खुद आगे बढ़ना, ठीक है, तो ये इसमें होता है। तो इसमें आपने ऐसा नहीं करना, आपने अगर आगे बढ़ना है तो उसको भी बढ़ना देना, खुद ही बढ़ें, जो नसीब में लिखा होगा वो मिल जाएगा। इसमें ये होता है कि मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या किया, आपके पास फर्ज कर रहे हैं ये दो प्रोडक्ट है ए और इसी के सेम प्रोडक्ट है बी, ठीक है। अजीम कर लें ये है फैज स्टोर, दूसरा है मेरा स्टोर ले लें अशर स्टोर, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपका स्टोर है फैज स्टोर, आपने अपने कस्टमर को बोला कि इस प्रोडक्ट पर जाओ, इसको एक्टिव कार्ट कर लो, ठीक है, और मेरे स्टोर पर कहा कि मेरे स्टोर पर जाओ, जो आपका कंपिटिटर होगा उसके आइटम पर जाओ और उसको भी एक्टिव कार्ट कर लो। अब करो ये, अब दोबारा मेरी लिस्टिंग पर आओ, इसको ऑर्डर कर दो, ठीक है, और इसको एक्टिव कार्ट से हटा दो। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि दराज को पीछे जो AI काम करती है उसको ये मैसेज जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ये कस्टमर ने एक्टिव कार्ट उसको भी किया था, उसको भी किया था, इन दी एंड इसने इसको बाय कर लिया और इसको हटा दिया एक्टिव कार्ट, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है रैंकिंग में आएगी और उसकी डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोलते हैं ब्लैक हैट मेथड, जो कि जायज़ नहीं है। आपके पास इसमें ये भी तो ऑप्शन है कि आप खुद इसको बोले कि मेरे प्रोडक्ट पे आओ, एक्टिव कार्ट कर लो, खत्म, दूसरे को एक्टिव कार्ट करके उसको माइनस करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये आखिरी मेथड होता है जिसमें आप जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब चारों मेथड मैंने आपको बता दी है, तो आप खुद देख लें आपका इसमें से आपके लिए क्या आसान है। अरे बस प्रैक्टिकल की देखें तो प्रैक्टिकल इसमें है नहीं, सिंपल क्या करना होता है, आप जिस तरीके से दराज पे जाके ऑर्डर करते हैं आपने सेम यही करना होता है, बस बदले में आपको रिव्यू दे देते हैं। रिव्यू में कोशिश करें कि इमेज रिव्यू लें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमेज, जब इमेज रिव्यू होती तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, देखें मैं इमेज हो गया अट्रैक्ट, अगर ये सिंपल से स्टार होता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है, ये देखें कस्टमर अट्रैक्ट होता है इमेज, अच्छी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मजीद तो आप चाह रहे कि मैं प्रैक्टिकल डेमो करूँ, तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो और दूसरा ये कि इसमें आखिरी मेथड है जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, कम बेस 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी मतलब यूनिक मेथड है और वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो है वो पहले पेज पे बकायदा रैंक होती है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन ये कि डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर वो चाहिए तो वो पेड मेथड होगा, ठीक है, वो सिर्फ उनके लिए यही है जो दराज में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे नीचे वही मेरा आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस वीडियो में प्रोडक्ट रैंकिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा हाउ टू मैनेज दराज सेलर सेंटर, ठीक है। अब इस टॉपिक का मुझे तो बहुत इंतजार था, उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी इंतजार होगा। तो फाइनली अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे, किस तरीके से जो है वो अपना आप अपना दराज का स्टोर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है, अच्छा वो मैंने जो है वो वीडियो सोई रिकॉर्ड की क्योंकि अभी रिसेंटली जुलाई के स्टार्ट से या जून के एंड से जो है वो नया इंटरफेस आ गया है,
तो नए इंटरफेस में क्या चीज़ें हैं तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें काफ़ी जो है वो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो है आप अपना दराज सेलर सेंटर मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।